Bismillah. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वकील के खाने में राणा वहीद आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने हलवे बहुत ही तरह के खाए होंगे, आमतौर पर घर में बनाया जाने वाला हलवा भी खाया होगा, उसके बाद आपने पेठे का हलवा खाया होगा, कद्दू का हलवा खाया होगा, तरह तरह के आपने हलवे खाए होंगे। लेकिन आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है स्ट्रॉबेरी का हलवा। स्ट्रॉबेरी का मौसम चल रहा है, इसको घोट घोट कर पीने की बजाय आप इसकी और भी बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं। उन रेसिपीज में से एक जो है वो है स्ट्रॉबेरी का हलवा, एक बहुत ही यूनिक और जबरदस्त रेसिपी है। आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए और इस रेसिपी को ट्राई जरूर कर। ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को फुल वॉच करना, इस वीडियो के साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। सबसे पहले हमने स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह साफ कर लेना है और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह धो लेना है। सबसे पहले ये सारी स्ट्रॉबेरी जो है इसको हमने ग्राइंड करके रख लेना है। घी डालेंगे, एक किलोग्राम सूजी को हमने घी में अच्छी तरह भून लेना है। लो जी सूजी अपन लइए पौन। भुनी हुई सूजी अपन लैदा बर्तन विच कढ लेनी है। अब हम एक बड़ा पतीला रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसमें हम डालेंगे आधा किलो घी। घी जब गर्म हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे ग्राइंड की हुई स्ट्रॉबेरी।
ये 4 किलो स्ट्रॉबेरी हमने ग्राइंड करके डाली है, 1 किलो सूजी, उसमें 4 किलो स्ट्रॉबेरी, 2 किलोग्राम हम इसमें डालेंगे चीनी, 20 मिनट के लिए पकाना है हमने। अब अच्छी तरह इसको उबाल आने देंगे। उबाल आना शुरू हो गया है, अभी हम इसमें सूजी डालेंगे। एंड पे हम डालेंगे सौगी। जी दोस्तों, हमने तब तक इसको पकाना है जब तक ये घी जो है इसको अच्छी तरह छोड़ ना दे। ये आप देख सकते हैं, जी दोस्तों, तो फाइनली हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। अभी हम इसको उतार लेंगे। माशाल्लाह जी, तो फाइनली हमारा स्ट्रॉबेरी का बन चुका है हलवा, बहुत ही जबरदस्त और देखने में बहुत ही कमाल लग रहा है। अभी हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसका जायका जो है ये कैसा बना। आहा, माशाल्लाह, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। गर्म भी है ना, बहुत ही शानदार बना हलवा। आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और ये जो मेरा फेसबुक पेज है इसको जरूर फॉलो कीजिए और इसको फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।